हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत कौशिक। हमारे यूट्यूब चैनल वन गॉर इनफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है करियर डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। हमारा इंस्टीट्यूट एक बोर्डिंग इंस्टीट्यूट है, एक एकेडमी है जो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, इस तरह के तमाम स्कूल, APS, अक्षय, ओ ग्रुप स्कूल, गुरुकुल, इस तरह के तमाम स्कूल की तैयारी कराता है बच्चों को। बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है, बहुत अच्छा हमारा मैनुअल है पूरा पढ़ाने का। आइए, अभी हमारे डेमो क्लासेस चल रहे हैं, 1 अप्रैल से हमारा बैच शुरू है। आप चाहे तो आकर हमारा डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे टीचर्स की क्वालिटी को और फिर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 1 अप्रैल के लिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका सैनिक स्कूल रेवा के बारे में। बहुत से लोगों का व्हाट्सएप पे मेरे पास आया कि सर हमें सैनिक स्कूल रेवा के बारे में बताइए, हमारा बच्चा वहां सेलेक्ट हुआ है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसी स्कॉलरशिप रहेगी। तो अभी सैनिक स्कूल रेवा के बारे में ही बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप भी इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9671861500। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। आप भी ऐसा कोई भी आपके मन में डाउट हो आप इस वीडियो यहाँ पे बताइए, आपको इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सैनिक स्कूल रेवा का फेस स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। इन्होंने लिखा है ड्यूरिंग प्रेजेंट एकेडमिक ईयर, ये लास्ट ईयर का है, इस साल का अभी तक क्योंकि एकेडमिक ईयर शुरू नहीं हुआ तो इसलिए अब तक डाला भी नहीं गया है। तो जनरल कैटेगरी को देना होता है 1,05,698 रुपए, यानी 1,05,698 रुपीज जो जनरल डिफेंस कैटेगरी के होंगे, और जो SC ST कैटेगरी के होंगे उनको देना होगा 1,04,198 रुपीज। ये है आपका स्कूल की फीस। फिर इसके बाद आप क्या आते हैं क्लोथिंग चार्जेस, क्लोथिंग एंड डाइटरी चार्जेस देख लेते हैं। तो क्लोथिंग चार्जेस बच्चे के होते हैं 1,500 रुपए, 1,500 रुपए आपके क्लोथिंग चार्जेस ले जाएंगे फ्रॉम स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्राइवेट क्लोथिंग एंड अदर नेसेसरी आइटम्स आर बॉट बाय स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग। फिर देखते हैं क्लोथिंग फीस ऑल्सो बी रिवाइज बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी एट एनी टाइम बेस्ड ऑन द मार्केट वेरिएशन। आगे देख लेते हैं डाइटरी चार्जेस देख लेते हैं इनके। इनके डाइटरी चार्जेस होते हैं 15,338 रुपए, प्लस करते चले जाइएगा सब चीजों को, ठीक है। आप 1,05,698 प्लस 1,500 प्लस 15,338 रुपए, ये आपके अब तक बन चुके हैं डायट्री चार्जेस। आपके 295 डेज के डायट्री चार्जेस लिए जाते हैं बिकॉज बाकी टाइम सैनिक स्कूल में छुट्टी रहती है, तो 295 डेज के डायट्री चार्जेस हो गए। आगे देख लेते हैं, फिर आता है कोशन मनी या सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती है जब बच्चा स्कूल को छोड़ के जाएगा, पास आउट होके जाएगा, तो उस टाइम में जितने उसके पेंडिंग ड्यूज होंगे वो काट के बाकी आपकी सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है। तो जो कोशन मनी है वो डिफेंस या जनरल कैटेगरी के लिए 3,000 रुपए रहती है और SC ST के लिए 1,500 रुपए रहती है, ये आपकी क्वेश्चन मनी रहेगी। फिर आगे बात कर लेते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है पॉकेट मनी। पेरेंट्स गार्जियन आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इंसिडेंटल चार्जेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ये आपके होते हैं 6,000 रुपए। अगर बच्चा खर्च देता है तो ठीक है, अगर नहीं खर्चे जाते तो आपको ये वापिस मिल जाते हैं या अगले में काउंट हो जाते हैं। ये किस लिए होते हैं, आपके जो एजुकेशन ट्रिप जाएगा, हाइकिंग आपकी कुछ भी ऐसे जा रही है, टेक्स्ट बुक्स है, स्टेशनरी आइटम्स है, हेयर कटिंग है, क्लोथ वॉशिंग है, फिर आपका ब्रेकेज एंड लॉसेस ड्यू टू अब बच्चे कारण कोई भी नेग्लिजेंसी करने के कारण कोई चीज टूट गई है या गुम हो गई है स्कूल की बिलोंगिंग्स, एनी अदर चार्जेस ऑफ प्राइवेट नेचर टू ओवरकम इनकन्वीनियंस ऑफ टू द बॉय, एक्सपेंडिचर एज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल, फाइन, जितने भी आपके होंगे वो इन सब में काउंट हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये फीस तो बहुत ज्यादा हो गई तो पेरेंट्स को रहता है कि इतनी फीस कैसे पे की जाए, तो उसका भी एक तोड़ होता है, उसे कहते हैं स्कॉलरशिप। तो बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, अभी हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है स्कॉलरशिप स्कीम इनकी, तो देख लेते हैं एक बार। अब देखेंगे MP गवर्नमेंट जो देती है स्कॉलरशिप, अगर इनकम स्लैब है, पेरेंट्स की इनकम स्लैब है 8,000 रुपीज तक, एक मंथ की बात करूंगा यहाँ पे, अगर पेरेंट्स एक महीने में 8,000 के आसपास कमाते हैं तो उनकी क्या रहेगी 100% ट्यूशन फीस रिमिशन मिल जाएगी। ऊपर जो आपकी 1,05,000 जनरल कैटेगरी की थी, ये मैंने आपको जो बताया था, या फिर 1,04,000 जो थी, ये आपकी क्या है फुल फी रिमिशन हो जाएगी। अगर पेरेंट्स की जो इनकम है वो 8,000 से ज्यादा और 10,000 तक रहती है पर मंथ, तो क्या होगा, तो आपकी हो जाएगी 75% उसी ट्यूशन फीस का 75% रिड्यूस कर जाएगा। देखिए, डाइटरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, क्लोथिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ट्यूशन फीस में आपको 75% का रिमिशन मिलेगा। अगर पेरेंट्स की इनकम 10,000 से ज्यादा है और 12,000 तक है तो आपको 50%, यहाँ पे आपको दिख रहा है 50% की ट्यूशन फीस रिमिशन मिलती है। अगर बच्चे के पेरेंट्स की जो इनकम है 12,000 से ज्यादा है और 15,000 तक है
तो 25% की रिमिशन मिलेगी, और अगर 15,000 से अबव है तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर पेरेंट्स जो है 15,000 से ज्यादा कमाते हैं एक महीने का तो कोई रिमिशन नहीं है, आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। आगे देख लेते हैं, एमपी गवर्नमेंट जो SC ST को देती है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम फुल स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारी की सारी फीस एमपी गवर्नमेंट ही देगी आपकी अगर आप SC ST कैटेगरी के हो। फिर देख लेते हैं आपकी जो CG गवर्नमेंट देती है जनरल को, अगर इनकम है 9,000 तक तो 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है, और अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम SC ST कैटेगरी के लिए पूरी स्कॉलरशिप, पूरे आपके एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट को देख लेते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट क्या करती है आपकी, अगर 8,000 तक की है तो 8,500 रुपये, 8,000 से ज्यादा है 10,000 तक तो 6,500 रुपये, 10,000 से 12,000 के बीच में है तो 5,500 रुपये, अबव 12,000 है तो कोई स्कॉलरशिप नहीं। SC ST के लिए अगर 8,500 तक है तो 8,500 मिलेंगे, 8,500 से ज्यादा है 10,500 तक के है तो 6,500 रुपये, अगर 10,500 से ज्यादा है और 12,000 तक की है तो 5,500 रुपये, और अगर 12,000 से ज्यादा कमाते हैं पेरेंट्स तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब देख लेते हो, डिफेंस देता है आपका MOD, तो MOD JCO को मिलता है 16,000 रुपये और ORNCOs को मिलता है 32,000 रुपये, और आपका सब्सिडी आपकी जो मिलती है सारे ही कैडेट को मिलेगी, ऑल कैडेट्स अदर देन SC ST कैडेट्स ऑफ फॉर MP इनको छोड़ के बाकी सारे कैडेट्स को मिलती है 15,000 रुपये। ये आप गवर्नमेंट पे करती है, 15,000 रुपये आप अपनी फीस में से कम कर लीजिएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको पे करेगी। आगे देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर, आपको मैं दिखा चुका हूं कि क्या कुछ रहता है फीस स्ट्रक्चर सैनिक स्कूल रेवा, ये आपके सारी स्लैब मैं इनको पूरा डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो यही है आपकी फीस का टोटल ब्यौरा, आपको यही फीस देनी पड़ेगी। अब अपनी अपनी स्लैब्स देख लीजिए आपकी कितनी फीस हुई, माइनस जो आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो आपकी नेट फीस हो जाएगी, जो आपको फीस एट द एंड देनी पड़ेगी। इस तरह कोई भी डाउट हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा 9671861500, ये आपका मूल मंत्र है, ये नंबर याद कर लीजिए। कोई भी डाउट हो एडमिशन के रिगार्डिंग, बच्चे की कोचिंग के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आप क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए आज के टाइम में कंपटीशन बहुत आगे जा चुका है, हमने देखा इस बारी कि 250-250 मार्क्स लाने के बाद भी बच्चों को सैनिक स्कूल में सीट नहीं मिल रही है। तो भाई तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि अब कंपटीशन की, जो बच्चा अच्छे लेवल की तैयारी करके जा रहा है आप उसको बीट नहीं कर सकते घर में बैठे बैठे। तैयारी कीजिए सो दैट आप भी एक ऐसा ही रिजल्ट क्रिएट कर पाए। बच्चों के कोचिंग लेने के बाद 296 तक भी मार्क्स आए हैं 300 में से, आप भी उस लेवल का स्कोर कीजिए ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। ऑल दी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब लोग जितने आपके नॉन लोग हैं वो भी जुड़ सके इस कोर्स के साथ। ऑल दी बेस्ट गाइस, थैंक यू।